आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी उथल पुथल बरकरार है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी समीकरण भी बदल रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने इलेक्शन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो जिस दल में होंगे 2022 में उसी दल की सरकार यूपी में बनेगी। देख लेना जहां हम होंगे वहीं सरकार ऐसी स्थिति है उत्तर प्रदेश में। ऐसा मेरा संगठन है, ऐसे मेरे पास प्रत्याशी हैं। बताओ यहां से तो हमारे रघुराज सिंह चावल से प्रत्याशी हैं, बसना से हैं, सुखदेवी का लड़का कर ही दिया है और जसवंतगढ़ से तो बताना फिर। साथ ही इस दौरान शिवपाल सिंह यादव के सुर कुछ बदले हुए भी नजर आए। उन्होंने योगी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और कहा कि मुख्यमंत्री तो ईमानदार हैं, लेकिन नौकरशाही में भ्रष्टाचार है, जनता परेशान है मगर चुप है, इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में सरकार बनने के बाद हर घर से एक बेटा और बेटी को नौकरी दिलवाएंगे। इसके अलावा बिजली बिल माफ करके प्रति परिवार को 250 यूनिट मुफ्त में बिजली दिलाई जाएगी। दिक्कतें हैं, हमने तो कहा नौकरी ये तो दे नहीं पाए, हमने तो कहा एक एक अगर सरकार आपकी बनाओगे तो एक एक बेटे और बेटी को नौकरी देने का जिम्मेदारी, फिर ऐसा कानून बनना चाहिए, फ्री बिजली होना चाहिए, कम से कम गरीबों को 250 यूनिट फ्री बिजली, ये काम होना चाहिए। तब तो फिर जनता कितनी दुखी है, कितनी दुखी है समय कोरोना के रहते। बता दें कि समाजवादी पार्टी से अलग होकर 29 अगस्त 2018 को समाजवादी नेता और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि प्रसपा का गठन किया था। बीएसपी ने लोकसभा चुनावों के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारे थे। अब पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुट गई है। शिवपाल यादव की योजना करीब 150 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार उतारने की है। 2019 लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। वो खुद भाई राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के खिलाफ फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़े, यहां उन्हें करीब 1,00,000 वोट मिले। शिवपाल यादव सूबे के कई छोटे दलों के नेताओं से संपर्क में हैं। ओम प्रकाश राजभर AIMIM के चीफ ओवैसी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजे एक साथ हो जाएंगे, हालांकि अभी तक इसके आसार नजर नहीं आ रहे।